सर हम लोग यहाँ 70 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं सर. हम लोग यहाँ बांग्लादेश के वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं सर. सर हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं पेट्रापोल बिनापोल बॉर्डर पर सर. हम लोग कल शाम को 6 बजे आ चुके हैं, 12 घंटे 16 घंटे सफ़र करके सर. हमारे कॉलेजेस बंद है सर, हॉस्टल्स बंद है. हमें वहाँ से कहा गया है कि आप हॉस्टल्स और कॉलेजेस से निकलिए और अपने अपने घर जाइए सर, मगर हमें यहाँ बॉर्डर पे नहीं छोड़ रहे सर. कल शाम से हमने कुछ नहीं खाया है सर. हम लोग यहीं बॉर्डर पे बैठेंगे जब तक हमें छोड़ नहीं रहे सर. हम लोग 70 स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ सब खड़े हैं सर. यहाँ सब खड़े हैं मेरी सर, मेरी होम मिनिस्ट्री से अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है सर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सर एस जयशंकर से अपील है सर, मेरे को हर एक हायर अथॉरिटी से अपील है सर, हमें प्लीज़ यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने दीजिए सर. हमारी फ़्लाइट्स निकाल के दिल्ली तक सर, आज अगर हम लोग नहीं जा पाए सर, हम लोग डोमेस्टिक फ़्लाइट भी नहीं ले पाएंगे सर. हम लोग फिर यहीं फंस जाएंगे सर, बांग्लादेश पूरा लॉकडाउन में जाएगा सर. हमें कोई फिर सहारा नहीं है सर. यहाँ हमारे पेरेंट्स भी बहुत वरीड है सर, वो लोग फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं सर. प्लीज़ सर, हमारी रिक्वेस्ट है सर, हम यहीं बॉर्डर पे हैं, आप एज सून एज पॉसिबल हमें आज के आज ही यहाँ से लीजिए सर. हमारी आज शाम को फ़्लाइट है, हमें हेल्प कीजिए सर. हम वापस भी कॉलेज नहीं जा सकते हैं सर, हॉस्टल भी नहीं जा सकते. प्लीज़ सर, प्लीज